भक्तिमय श्री सिद्ध आश्रम बिलगहना उमड़ा अपार जन समूह। अब प्रतिवर्ष मंदिर परिसर में होगी भागवत कथा। श्री सिद्ध बाबा की पावन भूमि में चल रही भागवत कथा का आज हुआ समापन। 13 दिसंबर से शुरू हुई इस भक्तिमय समागम का आज रहा अंतिम दिवस। भक्तों की अपार भीड़ ने आज एक बार फिर बिलगहना एवं आसपास के क्षेत्र को एकता के सूत्र में पिरो दिया। सर्व यादव समाज की अगुवाई में हुई इस आयोजन में समाज के सभी वर्ग ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही सर्व यादव समाज एवं क्षेत्र के सभी वर्गों की तरफ से प्रत्येक वर्ष मंदिर परिसर में भागवत कथा कराने का निर्णय लिया गया है। साथ ही मंच निर्माण हेतु सिद्ध आश्रम के स्वामी श्री शिवानंद जी महाराज के कर कमलों द्वारा हुआ भूमि पूजन, हवन, सहस्त्र धारा, आरती पूजा के पश्चात हुआ भंडारा प्रसाद का कार्यक्रम, भक्तिमय एवं एकतामय हुआ माहौल। क्या सहयोग रहा? हाँ भाई, धन तन मन धन से सभी का सहयोग रहा और पर्याप्त मात्रा में दर्शक आए यहाँ पे। भविष्य में इस प्रकार के कार्यक्रम हेतु क्या दिशा निर्देश तय हुआ है? अभी कल हमें एक निर्णय लिया गया है कि इस आश्रम में प्रति वर्ष भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अन्य समाज या फिर अन्य किसी द्वारा आयोजन प्रतिवर्ष यहाँ पर आयोजन करने का निर्णय गया है। और आज इसी कड़ी में नया भागवत मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का भी स्वामी शिवानंद महाराज जी के सानिध्य में भूमि पूजन किया जाने का प्रस्तावित है। आपका परिचय? मैं सुकुमार यादव, प्रदेश सचिव, पिशावर विभाग। जानकारी मिल रही है? हाँ, आज यादव समाज के द्वारा एक नए मंच का निर्माण होना है, उसका भूमि पूजन भी आज स्वामी शिवानंद महाराज के पावन कर कमलों के द्वारा संपन्न कराया जाना है और बहुत अच्छा भागवत मंच बनेगा। यादव समाज को हम नगर की ओर से बधाई देते हैं। सभी समाज के लोगों को एक साथ एक मंच पर देखकर कैसा लगा? सभी समाज के लोग जो यहाँ आए हैं, एकता का परिचय हुआ है कि देखो कितना मान्य धार्मिक जो आयोजन होता है हमारे आश्रम परिसर में। यहाँ बिना किसी भेदभाव, रंग रूप, जाति गुण के लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि स्वामी जी हमारे सदानंद महाराज सर्वधर्म समन्वय की भावना से यह आश्रम है। हमारे सभी जाति धर्मों का यह सम्मान है और सारे लोगों का सम्मान करते हुए यह भागवत का समापन है। आपका परिचय? मैं बालमुकुंद पांडे, भारतीय जीवन बीमा निगम एजेंट, बिलगहना। बिलगहना से राम प्रताप सिंह, सीजी विजन टीवी।